एक बहुत लंबी चर्चा हो रही है कि दोनों ही गठबंधनों में जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। नेताओं ने भी ये बात कही है और आम धारणा भी है कि जितना लेट होगा तैयारी में उतना कम समय मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो और चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो, जितनी देर होगी उतना नुकसान ही होगा ना, तो कौन नुकसान करना चाहेगा। दोनों ही विषय पे चिंतन और मंथन चल रहा है, सीट शेयरिंग भी जल्दी हो जाएगी, चेहरा भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पूरा माहौल इस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। जिस प्रकार महायुति की कुनीतियां जनता के सामने एक संकट बनकर आई हैं, उस संकट से उबरना है तो महाविकास आघाड़ी को ही चुनना है। इसीलिए आनंद फानंद में योजनाएं ला रहे हैं, बहुत सारे लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन सब धरातल पर फेल हो गए हैं। जिस प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है, ये महाराज कभी भूलेगा नहीं। क्षमा याचना से माफ करने वाला नहीं है। आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने एक प्रकार से हमारे सीने पर बैठकर मूंग दलने का काम किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरा विश्वास है कि अभी तीज त्यौहार का एक महीना चल रहा है, गणपति बप्पा मौर्या जी का भी आगमन होने ही वाला है। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही त्यौहार समाप्त होंगे हम सीट शेयरिंग भी आपको बता देंगे, चेहरा भी बताएंगे, एक एक एक, एक अच्छी रणनीति आपके सामने लाएंगे। बताना तो अंत में आपको ही है, आप ही के माध्यम से महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता तक हम पहुंचते हैं, देश तक पहुंचते हैं। तो हमें लगता है कि एक चिंतन मंथन का दौर जो शुरू है, जो हमारे संवाद चल रहे हैं, तीनों ही प्रमुख नेता आपस में समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। फार्मूला क्या रहने वाला शीर्ष का मोटा मोटी? देखिए, फार्मूला तो तीन दल है, परिवार में जब तीन दल होते हैं तो सभी को सम्मान चाहिए। एक ही फार्मूला है, सबका सम्मान और सबका साथ। तो हम सबका साथ और सबका सम्मान वाली पार्टियां हैं। किसी को भी मन दुख नहीं होगा, किसी को भी हमारे आपस में मतभेद नहीं होंगे, यही इतना विश्वास दिलाते हैं कि बहुत ही जल्द होगा, अच्छा होगा, फार्मूला सबको लोकप्रिय होगा और महाराष्ट्र की जनता को पसंद आएगा, ऐसा फार्मूला होगा।